हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के जिसकी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स है, तो जो फ्रंट शीट होती है वो ऑलमोस्ट बच्चों को भरना नहीं आता है, तो उसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, ताकि एग्ज़ाम में आप जब जाओ तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अपनी शीट को अच्छी तरीके से फिल कर सको। ठीक है, क्योंकि अगर आपने शीट फिल करने में कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, तो वहीं पर आपका रिजल्ट वगैरह जो है वो रुक जाता है, ये और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले जो फ्रंट पेज होता है, चाहे वो फिफ्थ का बच्चा हो, एट्थ का बच्चा हो या टेंथ का बच्चा हो, मेनली एट्थ, टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे इस वीडियो को देख के जरूर अपनी शीट, जो फ्रंट पेज की शीट होती है OMR शीट, उसको फिल करना जरूर सीख लें, जिसकी वजह से आप पेपर में, आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको पता होगा तो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको पहले से ही आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक सैंपल शीट है जिसमें यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको फिल करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, देखो आपको विषय, ठीक है, विषय मान लो आपका कौन सा पेपर है, आपका साइंस का पेपर है, तो आपने यहाँ पर विषय क्या लिखना है, साइंस। ठीक है, अब साइंस लिखने के बाद अगला जो है आपका दिन और डेट। ठीक है, तो मैं आज जो आपकी वीडियो बना रही हूँ वो दिन है मेरा ट्यूसडे, ठीक है, और डे जो है मेरा आज 17, तो उस दिन जो आपकी डेट होगी आपने वो डेट वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र पर आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहाँ पर कोड लिखा होगा प्रश्न पत्र के ऊपर, वो कोड लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि कुछ ऐसा होगा, ये सेट ABC जो होगा साथ में ऐसे प्रश्न आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना उसके ऊपर लिखा होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला कॉलम यहाँ पर मान लो आप पेपर नहीं लिख पा रहे हैं, आपको पेपर किसी और से लिखवा रहे हो, किसी कोई प्रॉब्लम आ गई आपके हाथ में, कोई फ्रैक्चर आ गया या कुछ हो गया, कोई भी एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप खुद पेपर नहीं लिख रहे, आपका पेपर कोई और लिख रहा है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर कोई और लिख रहा है तो यहाँ पर यस लिखना है, और कोई नहीं लिख रहा, आप ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पर नो लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर चीटिंग केस के लिए होता है। आगे आ जाओ यहाँ पर रोल नंबर, फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 20302456001, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये रोल नंबर है, तो आपने ये सारा रोल नंबर इस तरीके से कॉलम में सारा फिल कर देना है। उसके बाद पहली लाइन में आपको 2 देखना है कहाँ पर है, जहाँ पर भी 2 है उसको बहुत अच्छी तरीके से सर्कल को पूरा कंप्लीटली कवर कर देना है। आगे 0 पे आ जाना है, 0 कहाँ पर है उसको पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीटली कवर कर देना है इस तरीके से। ठीक है, आगे 3, आगे 0, समझ आ रही मेरी बात, जहां जहां नंबर है उसमें नीचे जहां पर भी आपका नंबर है उसको सबको क्या कर देना है, कवर कर देना है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर दिया है केंद्र कोड, केंद्र कोड आपको वहाँ पे बताया जाएगा, तो उस हिसाब से आपने केंद्र कोड यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मैं वैसे ही लिख देती हूँ, मान लो 04012 है केंद्र कोड, तो सेम ऐसे ही 0 जहाँ है 0 पे सर्कल करना है पूरा अच्छी तरीके से, 4 जहाँ है 4 पे सर्कल करना है, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से फिल करना है, यहीं गलतियाँ होंगी तो रिजल्ट रुकेगा आपका। ठीक है, आप क्या, उसके बाद सब्जेक्ट कोड भी वहाँ पे मिलेगा आपको, तो सब्जेक्ट कोड आपका जो भी दिया हो, मान लो मेरा सब्जेक्ट कोड मैं 121 लिख दे रही हूँ, 02 लिख दे रही हूँ, तो यहाँ पर 0 को कवर कर दिया और फिर 2 को कवर कर दिया, बात मेरी समझ आ गई ना, ये तो फिल करना आ गया आपको। आगे चलते हैं अब आपके नेम के कॉलम पे, नेम के कॉलम को कैसे कवर करना है, तो देखो नेम का कॉलम कवर करने के लिए सबसे पहले मान लो जो भी नेम है आपने वो कैपिटल वर्ड में सारा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख रही हूँ कल्पना, ठीक है, तो मैंने पूरे कैपिटल में लिखना है, ऐसे ही आपने भी लिखना है। ठीक है, अब मान लो ये तो चलो सिंगल नेम, मान लो आपका सरनेम भी आता है बीच में, मेरा जैसे मिश्रा, तो मैं क्या करूंगी एक ब्लॉक छोड़ूंगी और आगे में जो है मिश्रा लिखूंगी, समझ आई बात, ऐसे ही आपने करना है। ठीक है, अब ऐसे कैपिटल में लिखने के बाद वही प्रोसेस जो हमने यहां किया था वो यहां करना है। देखो जहां पर के है यहां पे आप लाइन में ढूंढो, जहां भी के है, मतलब के तो मेरा है ना, आपका जो भी रहेगा वहां पे इसको सर्कल को कवर कर दो, ए जहां पर है उसको सर्कल को कवर कर दो, एल जहां पर है उसको सर्कल को कवर कर दो,
ठीक है, पी जहाँ पर है, मतलब इस तरीके से आप ये सारे जो भी आपके लेटर हैं उसके नीचे नीचे जो आपके लेटर दिखेंगे उनको क्या करना है, कवर कर देना, ये सारे यहाँ तक। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो वहाँ पे एग्जामिनर आपकी ड्यूटी दे रहा होगा वो सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आगे यहाँ पर आएगा आपका रोल नंबर, लिखना है आपको। तो रोल नंबर कैसे लिखना है आपने, जैसे यहाँ पे जो रोल नंबर दिया है उस पे लिखना है, जैसे कि यहाँ पे 2105 इस तरीके से अपना पूरा रोल नंबर यहाँ पर कवर करना है। यहाँ पर आपने फादर्स नेम लिखना है और उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर आते हैं, वहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने। ठीक है, आई होप बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर ये चीज़ें आप सीख के जाओगे तो एग्ज़ाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप अच्छे से, और किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हम यहाँ क्या भरे, कैसे भरे, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और रह गया यहाँ पे, प्रश्न पत्र कोड। यहाँ पर ये प्रश्न पत्र कोड आपका जो भी सेट होगा, ए बी सी जो भी सेट होगा ना, उस सेट को आपने यहाँ पर क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।